हेलो स्टूडेंट आई एम सविता गुप्ता लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विथ सविता आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश बुक बी हाइव का लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक जो कि एवलिन ग्लेनी के बारे में है इसकी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे क्वेश्चन व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन एवलिन के साथ क्या गड़बड़ थी एवलिन वॉज प्रोफाउंडली डीफ डीफ यानी क्या होता है वो व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं दे सकता है वन हु कैन नॉट हेयर तो वो जिसको बहरा कहते हैं हिंदी में तो एवलिन जो थी वो पूरी तरह क्या थी डीफ थी वॉट वॉज एवलिन स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एवलिन को किस क्षेत्र में गहरी रुचि थी शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एवलिन को म्यूजिक में यानी संगीत में गहरी रुचि थी

हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन वेंट्स वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक एवेलिन जब रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक में गई तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी एवेलिन वॉज नियर अबाउट सिक्सटीन वेंट इवेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन लंदन के रॉयल एकेडेमी ऑफ म्यूज़िक में म्यूजिक में प्रवेश के लिए जब वो गई तो उस समय उसकी उम्र लगभग सोलह साल की थी सोलह सत्रह के बीच की थी which train was evelyn waiting for on the underground train platform bhumigat train platform par evelyn kis train ka intezar kar rahi thi how did she feel when she sensed that train approaching ठीक है जब उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ आभास हुआ यानी कि सुन नहीं सकती थी वो वाइब्रेशन को फील करती थी तो जब उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ तब उसे कैसा लगा एवलिन वॉज वेटिंग फॉर लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन दैट वॉज टू टेक हर टू द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडेमी फॉर म्यूजिक तो आ, जो एवलिन थी वो लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन एक्सप्रेस जो था वो उसका वेट कर रही थी जो उसे प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ले जाने वाली थी शी वो सेंस्ड एस सी सेंसड द ट्रेन अप्रोचिंग जैसे ही उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ शी फेल्ट बोथ नर्वस एंड एक्साइटेड तो ट्रेन के आने के आभास के साथ एक और तो उसे घबराहट हुई पर साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी थी उत्साहित भी थी तो क्यों था ऐसा नर्वस बिकॉज शी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड क्योंकि वो एक तो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी इसलिए थोड़ी नर्वस हो रही थी एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज गोइंग टू परस्यू हर पैसन विच वॉज़ म्यूजिक ठीक है और उत्साहित इसलिए थी कि उसके संगीत के लिए उसका जो जुनून था वो उस क्षेत्र में आज पहला कदम बढ़ाने जा रही थी वैन शी वॉज गोइंग टू जॉइन रॉयल अकेडेमी ऑफ़ म्यूज़िक शी वॉज एक्साइटेड डिस्पाइट ऑफ हर नर्वसनेस वाई तो जब वो रॉयल अकेडेमी ऑफ म्यूज़िक में शामिल होने के लिए जा रही थी तो अपने घबराहट के बावजूद वो उत्साहित क्यों थी गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन वॉज लाइक ए ड्रीम केम ट्रू फॉर हर तो रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में जाना वहाँ प्रवेश लेना उसके एक सपने के सच होने जैसा था इट वॉज़ हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो डिस्पाइट ऑफ हर नर्वसनेस सी वॉज एक्साइटेड ठीक है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती अगर उसे रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक में एडमिशन मिलता है तो इसी कारण से वो नर्वसनेस के बावजूद एक्साइटेड थी घबराहट के बावजूद काफ़ी उत्साहित थी वॉट वॉज हर परफॉर्मेंस इन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का जो ऑडिशन दिया उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा शी स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स इन द ऑडिशन इन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक तो इस ऑडिशन में रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक के इतिहास में वो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा बनी हाउ डिड एवलिन गेट एडमिशन टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन तो एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में किस तरह से एडमिशन लिया हर स्कोर इन ऑडिशन वाज वन ऑफ़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है उसके इस ऑडिशन में उसने जो अंक प्राप्त किए वो वहाँ के इतिहास का सबसे ऊंचा अंक था देयर फोर सी वॉर सिलेक्टेड एंड गॉट एडमिशन देयर फॉर थ्री ईयर कोर्स इसलिए उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और तीन साल के कोर्स के लिए वहाँ पर उसका एडमिशन हुआ When was the deafness of Evelyn first discovered? Evelyn uh, को सुनाई नहीं देता सुनाई देने में problem है इस समस्या uh, पर कब और किस का ध्यान गया When it was confirmed, और कब वो पुष्टि हुआ कि ये इसको वास्तव में सुनाई नहीं देता है हर डिफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड वैन शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड जब वो आठ साल की थी तब उसके इस डिफनेस दीफने, की समस्या को नोटिस किया गया इट वॉज कन्फर्म बाय द टाइम वेन शी वॉज एलेवन ईयर्स ओल्ड और जब वो लगभग ग्यारह साल की थी तब ये कन्फर्म हो गया कि उसको वास्तव में सुनाई देने की समस्या है वैन एंड हु नोटिस्ड एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम एवलिन को सुनने की समस्या पर ध्यान सबसे पहले किसका गया और कब गया वेन शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड जब वो आठ साल की थी ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एक कार्यक्रम के दौरान शी डिडेंट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर परफॉर्मेंस ऑन पियोनो तो एवलिन को पियोनो परफॉर्मेंस पर करना था जब उसका नाम बुलाया गया तो वो चुपचाप बैठी रही ऐसे जैसे कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं किया एट दिस टाइम तो उसकी माँ भी उसके पास ही बैठी थी तो इस समय हर मदर नोटिस्ड अबाउट हर हियरिंग प्रॉब्लम तब उसकी माँ का ध्यान इस बात पर गया और वो सोचने लगी कि इसको वास्तव में सुनने में समस्या आ रही है हु एडवाइज एवलिन पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट तो एवलिन के पेरेंट्स को किसने सलाह दिया कि इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिकॉज ऑफ हर डीफनेस उसके सुनाई देने की क्षमता में समस्या होने के कारण हर परफॉर्मेंस इन स्कूल डिटेरिटेड एंड हर मार्क्स बिगेन टू डिक्रीज उसका जो स्कूल में परफॉर्मेंस था वो धीरे धीरे उसका स्तर नीचे हो रहा था और साथ ही जो पढ़ाई लिखाई में जो मार्क्स आने चाहिए वो भी कम हो रहा था सो बिकॉज ऑफ़ हर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस तो इसी तरह जब उसके शैक्षणिक परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होने लगा द स्कूल हैड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट तब स्कूल की जो हैड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एवलिन के परफॉर्मेंस को देख करके उसके पेरेंट्स को कॉल किया और कहा उसको कि किसी स्पेशलिस्ट से इसका चेकअप करवाएं। वॉट एडवाइस वॉज गिवन टू हर बाई द स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ने जब उसके पेरेंट्स एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास ले गए तो स्पेशलिस्ट ने पूरा परीक्षण करने के बाद उनको क्या सलाह दी द स्पेशलिस्ट डिस्कवर्ड दैट हर hearing was बैडली impaired बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज ठीक है तो स्पेशलिस्ट uh, ने पाया कि उसकी तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण कान की जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी सुनने की क्षमता बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है शी एडवाइज हर पेरेंट्स डैट शी शुड बी फिटेड विथ ही एड्स और उसने उनके पेरेंट्स को सलाह दी कि जो श्रवण यंत्र होता है कान में लगाते हैं तो सुनाई देने लगता है तो ये श्रवण यंत्र उसको लगाएँ एंड सेंट टू ए स्पेशल स्कूल फॉर द डीफ्स तो डीफ बच्चों के लिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ इनका एडमिशन करवाएँ

लगा कि उसको सलाह दी जा रही है कि वो हियरिंग एड्स लगाए और वो स्पेशल स्कूल जो डिफ्स के होते हैं वहाँ पर इसका एडमिशन कराएं शी फेल्ड हर फ्यूचर वॉज ब्लीक एंड डार्क तब उसे ऐसा लगने लगा कि उसका जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय हो गया है शी बिकेम डिप्रेस्ड वो अवसादग्रस्त हो गई यानी कि गहन उदासी में उदासी ने उसको घेर लिया एश सी फील्ड दैट शी वुड नॉट बी एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ नॉर परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और तब उसे ऐसा लगने लगा कि क्या वो कभी एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाएगी क्या म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाएगी तो यही वो कारण थे जिसके कारण उसको ऐसा लगने लगा कि उसका भविष्य अंधकार में हो गया है हाउ डिड एवलिन रिस्पॉन्ड टू द डिस्कवरी ऑफ हर डीफनेस जब अपने बहरेपन के बारे में उसने सुना कि वो कुछ नहीं कर सकती है आगे तो एवलिन की क्या प्रतिक्रिया रही ऑन हियरिंग अबाउट हर डीफनेस ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज एवलिन इंस्टेड ऑफ गिविंग अप शी डिसाइडेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर चिल्ड्रेन जब एवलिन ने सुनने वाली तंत्रिकाओं के क्षति होने के कारण अपने सुनाई न देने की समस्या के बारे में जाना तब वो हिम्मत हारने के बजाय अन्य बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जीने का निश्चय किया शी डिसाइडेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर चिल्ड्रेन बहुत बड़ी बात है कि वो दूसरे बच्चों की तरह वो सामान्य जिंदगी जिएगी वो इसने डिसाइड किया एंड परस्यू हर ड्रीम ऑफ लर्निंग म्यूजिक और साथ ही उसने निश्चय किया कि वो अपने संगीत के शौक़ को ज़रूर पूरा करेगी और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी हाउ डिड एवलिन टीचर रिस्पोंड वेन शी एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू प्ले द जायलोफोन जब एवलीफ एवलिन ने जायलोफोन बजाने की इच्छा जाहिर की तो उसके टीचर ने क्या प्रतिक्रिया दी एवलिन ऑलवेज लव्ड म्यूजिक एवलिन को संगीत से हमेशा से प्रेम था डिस्पाइट ऑफ हर डीफनेस शी एक्सप्रेस्ड डिज़ायर टू प्ले जइलोफोन वैन शी सोहर अदर गर्ल्स प्लेइंग इट जब उसने दूसरी लड़कियों को जायलोफोन बजाते देखा तो अपने श्रवण बाध्यता के बावजूद उसने भी जाइलोफोन बजाने की इच्छा व्यक्त की बट हर टीचर्स फेल्ट दैट शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले इट बिकॉज ऑफ़ हर इम्पेयर्ड ही लेकिन शायद उसके शिक्षकों को ऐसा लगा कि सुनाई ना देने के कारण वो इसे नहीं बजा पाएगी तो उन्होंने उसे मना कर दिया एंड दिस डिस्करेज उनके मना करने से वो काफ़ी हतो उत्साहित हुई हु हेल्प्ड एवलेन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक संगीत को जारी रखने में एवलिन की किसने मदद की वॉट डिड ही डू एंड से और उन्होंने क्या किया और क्या कहा रॉन फॉब्स फर्स्ट रिकोग्नाइज हर पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक रॉन फॉब ने सबसे पहले उनकी संगीत में क्षमता को पहचाना और उसकी हेल्प की कि वो संगीत में आगे बढ़े ही सैड और उन्होंने क्या कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स कि अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो मत सुनो कानों से संगीत को ट्राई टू सेंस द नोट्स ऑफ म्यूजिक विथ योर बॉडी पार्ट्स बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से संगीत के सुर के तरंगों को महसूस करना सीखो ऐसा कह करके उन्होंने रॉन फॉब्स ने एवलिन को प्रोत्साहित किया हाउ डिड एवलिन हियर म्यूज़िक तो इन सब बातों से प्रोत्साहित होकर के एवलिन जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ी तो वो संगीत को किस तरह सुनती थी एवलिन फील्स म्यूजिक थ्रू हर वोल बॉडी तो संगीत को अपने पूरे शरीर से एवलिन ने महसूस करना शुरू किया संगीत के सुर के वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू किया वेन रॉन tuned ट्यून टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड her टू फील द वाइब्रेशन विच क्रिएट साउंड तो जब रॉन फॉप्स ने दो ड्रम को अलग अलग सुरों के नोट पर ट्यून किया और जब उसने उससे उत्पन्न होने वाले ध्वनि के तरंगों के कंपन को महसूस करने के लिए कहा शी रियलाइज्ड दैट शी फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप तब उसको एहसास हुआ कि वो ऊंचे ड्रम के कंपन को कमर के ऊपर के वाले हिस्से से महसूस कर सकती है एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट लोअर डाउन और नीचे नीचे ट्यून वाले ड्रम के कंपन को कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती है इतना ही नहीं नाउ कुड फील द म्यूज़िक इवन थ्रू हर हेयर तो इतना ही नहीं अब वो बालों में भी होने वाले कंपन्स में संगीत को महसूस कर सकती थी वेन शी परफॉर्म्स ऑन द वुडन फ्लोर शी रिमूव्स हर शूज़ टू फील द वाइब्रेश ऑफ नोट्स थ्रू हर बेयर फुट इतना ही नहीं जब वो परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर जाती थी और स्टेज अगर लकड़ी का होता था तो अपने जूतों को वो उतार देती थी ताकि लकड़ी के मंच पर जो सुरों से कंपन हो रहा है वो अपने नंगे पैरों से महसूस कर सके हु वॉज़ मिस्टर रॉन फॉब्स तो मिस्टर रॉन फॉब्स कौन थे मिस्टर रॉन फॉब्स वॉज द म्यूजिक इंस्ट्रक्टर इन एवेलिन इस्कूल तो एवेलिन के स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर रॉन फॉब्स नेम देरियस प्लेसिस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म किन किन स्थानों पर और क्यों एवलिन अपना परफॉर्मेंस देती थी एवलिन परफॉर्म्स इन कंसर्न्स इंटरनेशनली सबसे पहले तो एवेलिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुति देती थी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न नियमित संगीत समारोह के अलावा एवेलिन परफॉर्म्स फ्री ऑफ चार्ज इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स तो इसके अलावा एवेलिन जेल और हॉस्पिटल में निशुल्क अपनी प्रस्तुति देती थी ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें शी ऑल्सो टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस इतना ही नहीं वो युवा संगीतकारों को निशुल्क प्रशिक्षण भी देती थी हुज जेम्स ब्लैंड वॉट इज़ हिज ओपिनियन अबाउट एवलियंस टैलेंट तो जेम्स ब्लैंड कौन थे और एवलिन के टैलेंट, उसकी प्रतिभा के बारे में उनका क्या ख्याल था जेम्स ब्लैंड इज ए मास्टर प्रकाशनिस्ट ऑप तो जेम्स ब्लैंड कौन थे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कहा जाता था मास्टर प्रकाशनिस्ट एक वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाते थे ही बिलीव्स दैट गॉड माइट हैव टेकन हियरिंग बट ही हज़ गिविन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना तो उन्होंने उन एवलिन के बारे में बताया कि ईश्वर ने इससे सुनने की क्षमता तो ले ली है लेकिन उसे कुछ ऐसा दिया है जो कि सामान्य से अलग हटकर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वॉट शी हीयर सी फील्स वो जो सुनती है वो कानों से नहीं सुनती वो दिल से महसूस करती है फार मोर than any एनी us. वो इतना महसूस करती है जितना हम लोग नहीं कह सक कर सकते हैं तो सुनने के बजाय वो गहराई से उस चीज़ के वाइब्रेशन को महसूस करती है इट इज़ ड्यू टू दिस दैट सी एक्सप्रेसिस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली और यही वो कारण था कि वो संगीत को इतनी अधिक खूबसूरती से व्यक्त कर पाती थी अ प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट एक्सप्लेन कोई भी समस्या उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा हम उसे बनाते हैं व्याख्या कीजिए एवलिन ग्लेनी इज इज प्रोफाउंडली डीप एंड कैन नॉट हेयर एवन अवॉर्ड एवलिन ग्लैनी पूरी तरह बहरी थी और एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी बट शी ओवरकेम दिस डिफ़िकल्टी एंड स्टार्टेड टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ हर बॉडी लेकिन वो अपने इस कठिनाई पर विजय हासिल की ओवरकम किया कठिनाई को हराया और संगीत में के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से संगीत के सुर के कंपन को महसूस करना शुरू किया शी ज्वाइन द रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक तो उसने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक को ज्वाइन किया वेयर शी नॉट ओनली स्कोर द हाइस्ट मार्क्स बट बिकम अ रिनाउंड म्यूजिशियन ऑल्सो जहाँ उसने न सिर्फ सबसे उच्च अंक प्राप्त किया बल्कि वहाँ एक प्रसिद्ध संगीतकार बनी द शी बिकम एन आइडल एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल तो इस तरह से वो लोगों के लिए एक आदर्श बनी और प्रेरणा का स्त्रोत बनी इन दिस वे हर स्टोरी टेल्स दैट नो प्रॉब्लम इज एज एज बिग एज इट कैन नॉट बी ओवरकम तो एवलिन की ये स्टोरी बता रही है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसे जीत सकें हर समस्या का कहीं ना कहीं कोई समाधान होता है बशर्ते कि आप अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ना सीखें हु डिड एवलिन गिव ए बिग इंस्परेशन टू किन लोगों के लिए एवलिन uh, प्रेरणा स्त्रोत बनी एवलिन गिव ए बिग इंस्पिरेशन टू द कैप्ट पीपल तो जो हैंडी पीपल हैं जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए तो एवलिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी उन्होंने उसके लाइफ से सीखा कि वो भी वो ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि अपने लक्ष्य पर वो ध्यान लगाएं What award did Evelyn विन इन 1991 1991 वन में एवलिन ने किस पुरस्कार को जीता इन 1991 नाइन्टी वन नाइन्टी वन में द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी कन्फर्ड ऑन हर द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोलेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तो 1991 नाइन्टी वन में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने उसे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार सोलोएस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया विच क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर इनेबल्ड एवलिन टू मूव अहेड इन लाइफ तो एवेलिन के चरित्र के किन गुणों ने उसे जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया अनफलिंग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क इनेबल्ड एवलिन टू मूव अहेड इन लाइफ अटल दृढ़ निश्चय अटल दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम अपनी विकलांगता के बावजूद वो आगे बढ़ती रही है ना और इन्हीं दो चीज़ों ने इसे आगे बढ़ाया इंस्टेड ऑफ़ एल्डिंग बिफोर हर डिसेबिलिटी अपनी विकलांगता आगे के आगे झुकने के बजाय सी डिसाइडेड टू ओवरकम इट उसने निश्चय किया कि वो इस चीज़ से उभर जाएगी एंड लीड द लाइफ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन वो जिएगी ये उसने फैसला कर लिया बींग ए वर्क पुट इन हर अर्नेस्ट एफर्ट्स एंड कीप मूविंग अहेड फर्दर एंड फर्दर वर्क होलिक यानी जिसे काम करने का नशा हो तो उसे काम करने का नशा था वो ईमानदारी से अपने प्रयासों में लगी रही और जीवन में आगे बढ़ती रही वॉट वॉट वर एवलिन अचीवमेंट आफ्टर शी जॉइन द रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक लंदन लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जॉइन करने के बाद वहाँ पर एवलिन की क्या उपलब्धियाँ रहीं एट द रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक लंदन एवेलिन बिकम वन ऑफ द परफॉर्मर्स इन द ऑर्केस्ट्रा तो लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एवेलिन ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों में से एक कलाकार बन गई देन सी ग्रेजुअली मूवड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस और फिर वो ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे अलग हट करके एकल प्रस्तुति देने लगी एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्सेस और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के तीन साल के कोर्स के दौरान शी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ़ द टॉप awards. वो वहाँ के अधिकांश शीर्ष पुरस्कारों को अपने नाम कर लिया Why does Evelyn से that man with bushy beard, beard एन इन दाढ़ी give her trouble during communication? तो एवलिन ऐसा क्यों कहती थी कि जब वो ऐसे लोगों से बात करती जिनके चेहरे पर घनी दाढ़ी हो तो उससे बा, उनसे बात करने में समस्या होती है तो बात करने में जो समस्या होती थी वो कैसे होती थी क्योंकि क्या है कि वो सुन तो सकती नहीं थी फेसियल एक्सप्रेशन को वो कैच करती थी बिकॉज ऑफ़ हियरिंग डिसेबिलिटी सुनने की क्षमता में बाध्यता के कारण शी कॉम्युनिकेट्स विद पीपल बाय वॉचिंग देयर लिप मूवमेंट तो वो आ, सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है वो इस चीज़ को उसके लिप मूवमेंट ओठों के मूवमेंट से जज करती थी एंड अदर फेसियल एक्सप्रेशन और चेहरे के एक्सप्रेशन से और उनके लिप मूवमेंट से वो समझ पाती थी कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है वेन शी कॉम्युनिकेट विथ मैन विथ बुशी वियर लेकिन अगर सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी है शी फेज टू रीड देयर लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन तब वो न तो उनके ओठों का मूवमेंट देख पाती थी और न फेशियल एक्सप्रेशन देख पाती थी क्योंकि पूरे चेहरे पर घनी दाढ़ी होती थी तो इसलिए एवलिन ने ऐसा कहा कि जिनके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी रहती थी उनसे वो बात करने में उसको समस्या होती थी हाउ इज़ एवलिन एंड इंस्पिरेशन फॉर द हैंडी पीपल तो एवलिन दिव्यांग लोगों के लिए किस तरह प्रेरणा की स्रोत थी एवलिन अचीवमेंट गेन थ्रू डिटर्मिनेशन एंड वर्क दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से प्राप्त एवलिन की उपलब्धियों को देखकर सेट एन एग्ज़ाम्पल बिफोर अदर हैंडीकैप्ड पीपल तो और दूसरे जो आ, दिव्यांग लोग थे ये एवलिन का जो अचीवमेंट था जिसे उसने अपने दृढ़ निश्चय वर्क और हार्ड वर्क से प्राप्त किया था वो उनके लिए एक उदाहरण बन चुका था दे गफिडेंस फ्रॉम हर एग्ज़ाम्पल और एवलिन को सामने रख करके इन लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भर जाता था एंड बिलीव दैट दे टू कैन अचीव देयर गोल्स इन देयर लाइफ बाय ओवरकमिंग देयर डिसेबिलिटीज़ विथ फॉर्म डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क तो आ, ये जो उन्हें भी लगता था कि एवलिन की तरह दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से अगर वे भी अपनी डिसेबिलिटीज़ पर काबू पा लें तो वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपनी दिव्यांगता के बावजूद विच फॉरन लैंग्वेज डिड एवेलिन लर्न तो किन विदेशी भाषाओं को एवलिन ने सीखा था ठीक है तो एवेलिन मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जैपानीज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इवेन दो शी वॉज डीफ हालांकि एविल डीफ थी सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा और बेसिक जापानी भाषा सीखा इंग्लिश तो खैर उसे आती ही थी इट वॉज़ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क दैट मेड हर लर्न ऑल दिस लैंग्वेजेस तो वो इन भाषाओं को इसलिए सीख पाई क्योंकि ये उसका दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क था जो उसको इन भाषाओं का गिफ्ट मिला और वो सारी भाषाओं को सीखी सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ एवलिन ग्लेनी थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो